ये हमारे पास डिफरेंट HMI की पिक्चर्स हैं। फर्स्ट नंबर पर आप देख सकते हैं कि सीमेंस HMI है, ये हमारे पास वेंडिक HMI है, ये हमारे पास एलम्ब्रेलिक HMI है एंड ये हमारे पास प्रोफेस HMI है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फाई ऑटोमेशन यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन टर्मिनोलॉजीज, यानी कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की फील्ड में जो डिफरेंट टर्म्स यूज होती हैं उनका इंट्रोडक्शन है, यानी कि जिस तरह PLC होगी, HMI होगी, SCADA एंड DCS, कि इन टर्म्स का क्या मीनिंग है। अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए ये टर्म जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको नेक्स्ट कैरियर में बहुत आसानी हो, आपको यहाँ से एक कैरियर गाइडेंस मिल जाए कि आप करने कौन सी चीज़ को सबसे पहले सीखना है। ठीक है, अगर आपको इनका नॉलेज होगा तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप क्या सी चीज़ कौन सी जो है आपने पहले सीखी हो। इसमें हम ये भी देखेंगे कि इनमें डिफरेंसेस क्या हैं और कौन सा सॉफ्टवेयर है, कौन सा हार्डवेयर है और कौन सी चीज़ कब यूज़ करनी है। ठीक है, तो जबकि लास्ट वीडियो में हमने देखा कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन क्या है, इसकी टाइप्स कौन सी हैं, तो वो अगर वीडियो अगर नहीं देखी तो प्लेलिस्ट से इसको एक्सेस कर सकते हैं आप। अगर आप इसको प्लेलिस्ट से एक्सेस करेंगे तो आप यहाँ इस पूरे कोर्स को फॉलो कर सकते हैं, इस तरह आपको आसानी होगी कोर्स को फॉलो करने में भी। ठीक है, तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में देखते हैं फर्स्ट नंबर पर PLC के क्या मीनिंग है और इसमें कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, कौन सा हार्डवेयर होता है। तो फर्स्ट जो हमारी टर्म है वो है PLC। तो सबसे पहले देखते हैं कि PLC का क्या मीनिंग है। PLC की फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, जिसमें प्रोग्रामेबल का मतलब है यूजेस ऑफ प्रोग्रामेबल मेमोरी फॉर इंटरनल स्टोरेज ऑफ इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्रामेबल मीन हम इसको अपनी मर्जी से प्रोग्राम कर सकते हैं, अपनी मर्जी से इसके अंदर हम इंस्ट्रक्शन इसको दे सकते हैं। ठीक है, उसके लिए वो इंटरनल एक मेमोरी यूज करता है जिसके अंदर हमारा प्रोग्राम जो है वो स्टोर होता है, उस प्रोग्राम को रीप्रोग्राम कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, जो भी करना चाहे PLC के अंदर ये सब कुछ हो सकता है। ठीक है, और दूसरा इसमें वर्ड है लॉजिक, यानी कि इसके अंदर हम अपनी मर्जी की लॉजिक डाल रहे होते हैं और जिसमें हमारे पास सिक्वेंसिंग की लॉजिक हो सकती है, टाइमिंग की हो सकती है, काउंटिंग एंड अरिथमेटिक। तो एज पर आवर रिक्वायर्ड सिनेरियो हम कोई भी लॉजिक इंप्लीमेंट करते हैं और एंड लॉजिकल डिसीजन लेती है PLC। और तीसरा वर्ड है कंट्रोलर, यानी कि इसमें हम कंट्रोल कर रहे थे मशीन एंड प्रोसेस को अकॉर्डिंग टू दी प्रोग्रामड लॉजिक। तो इसमें तीनों इसके जो वर्ड है वो यहाँ से क्लैरिटी हो जाती है हमें, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर की यहाँ से हमें क्लैरिटी हो गई कि PLC का क्या मीनिंग है। अब हम देखते हैं कि PLC किस तरह की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि PLC की डिफरेंट में पिक्चर्स लगाई हुई हैं, डिफरेंट PLCs आप देख सकते हैं। तो ये रो है एलन ब्रैडले PLCs की, जो फर्स्ट नंबर पर है ये हमारे पास हम माइक्रो लॉजिक सीरीज की है, ये हमारे पास कंपैक्ट लॉजिक सीरीज है एंड ये हमारे पास कंट्रोल लॉजिक PLC है। इस तरह अगर सीमेंस की बात करें तो सीमेंस में हमारे पास ये S7 1200 PLC है, ये S7 1500 PLC है एंड ये S7 400 PLC है। एलन ब्रैडले और सीमेंस के अलावा भी काफ़ी सारे PLCs ब्रांड है, जिस तरह शिनर इलेक्ट्रिक होगी, ABB होगी, ओमरॉन होगी, फैटेक होगी, मिट्सुबिशी होगी, इसके अलावा भी काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं। यहाँ पर जस्ट मैंने आपको दो ब्रांड्स की PLCs दिखाई है। अब हम देखते हैं कि HMI का क्या मीनिंग है। HMI मीन ह्यूमन मशीन इंटरफेस। HMI इज ऑल्सो नोन एज MMI, यानी कि मैन मशीन इंटरफेस। एक्चुअली HMI यानी कि एक मैन के लिए इंटरफेस प्रोवाइड करती है। अगर हम इसके नेक्स्ट पॉइंट देखें, इसमें आया है HMI इज एन इंटरफेस विच परमिट्स इंटरेक्शन बिटवीन अ ह्यूमन एंड अ मशीन, यानी कि किसी भी ह्यूमन और मशीन के बीच में जो इंटरफेस प्रोवाइडर है वो एक्चुअली HMI वर्क कर रही होती है एज ए इंटरफेस प्रोवाइडर बिटवीन ह्यूमन एंड मशीन। चूँकि PLC के अंदर हम प्रोग्राम डाल देते हैं, ठीक है, अब उस प्रोग्राम के मुताबिक एक्सेस हमें देनी पड़ती है कि हम उस प्रोग्राम के मुताबिक अपना डिसीजन भी ले पाएँ। ठीक है, यानी उसके कोई वैल्यूज देख पाएँ या उसमें हम कोई चीज़ ऑन ऑफ करा पाएँ, तो उसके लिए हम फिर HMI यूज़ करते हैं। आगे मैं आपको इसकी पिक्चर दिखा दूँ तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारे पास डिफरेंट HMI की पिक्चर्स हैं। फर्स्ट नंबर पर आप देख सकते हैं कि सीमेंस HMI है, ये हमारे पास वेंडिक HMI है,
ये हमारे पास अनप्रैरलल एच एम आई है एंड ये हमारे पास प्रोफेस एच एम आई है। तो अगर हम मैं यहाँ पर सीमेंस एच एम आई को ले लेता हूँ, तो यहाँ पर अगर आप देखें यहाँ पर आपको टॉगल स्विच नज़र आ रहे हैं, यहाँ आपको ग्राफ नज़र आ रहा है, ठीक है, जहाँ हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ का ग्राफ नज़र आ रहा होगा कि प्रेशर क्या चल रहा है, टेम्परेचर क्या चल रहा है, और डिफरेंट हमारे पास जो फैक्टर्स होंगे वो हमारे पास उनका स्टेटस आ रहा होगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम किसी चीज़ को ऑन ऑफ करना चाहते हैं तो इन टॉगल स्विच के ज़रिए कर पाएंगे। एक्चुअली एच एम आई से हम कैसे कर पाते हैं, क्योंकि एच एम आई पर हम उन टैग्स को यानी कि जो पी एल सी में हमने टैग्स यूज़ किए होते हैं उनको यहाँ पर मैपिंग करा देते हैं। जब एक्चुअली आप इस टॉगल स्विच को ऑन ऑफ करते हैं तो एक्चुअली उस एड्रेस को पी एल सी के उस स्पेसिफिक एड्रेस को जाकर ये ऑन ऑफ करवाता है जिससे पी एल सी डिसीजन ले रही होती है। तो इस तरीके से एच एम आई वर्क कर रही होती है। जिस तरह पी एल सी के लिए अलग सॉफ्टवेयर यूज होता है, अलग उसका हार्डवेयर है, इसी तरह एच एम आई एक अलग हार्डवेयर है और इसका सॉफ्टवेयर भी अलग ही होता है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजम कर लें, क्योंकि YouTube के एनालिटिक्स के मुताबिक 95% लोग जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा। नेक्स्ट हमारे पास टर्म आती है स्काडा की। स्काडा का क्या मीनिंग है? स्काडा मीन सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन। इसमें आप तीन वर्ड देख रहे होंगे, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन, यानी कि हम स्काडा में तीन काम कर रहे होते हैं। एक तो हम अपने सिस्टम को सुपरवाइज कर रहे होते हैं यानी कि सिस्टम का मॉनिटर कर रहे होते हैं, और दूसरा है कि कंट्रोल, यानी अपने सिस्टम को हम कंट्रोल कर रहे होते हैं, मशीन को कंट्रोल कर रहे होते हैं, प्लांट को कंट्रोल कर रहे होते हैं। एंड थर्ड है इसमें डाटा एक्विजिशन, यानी कि डाटा एक्वायर कर रहे होते हैं, डाटा गैदर कर रहे होते हैं, ठीक है। विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास डाटा सेव करा रहे थे हम हिस्टोरियन में या डाटा बेस में। ये तीन इसमें वर्ड स्पेसिफिक है। और आप सोच रहे होंगे मे बी एच एम आई का फिर क्या सीन है। एच एम आई देखें, एच एम आई हम एच एम आई में से दो काम करते हैं, सुपरविजन एंड कंट्रोल। उसमें हम डाटा एक्विजिशन ही कर रहे होते हैं, जबकि स्काडा में हम डाटा एक्विजिशन भी कर रहे होते हैं, और एच एम आई जस्ट पी एल सी के लिए होती है, ठीक है। एक पी एल सी उसके लिए एक एच एम आई होगी, एच एम आई पूरे बड़े सिस्टम के लिए होगी, जबकि स्काडा हमारे पास एक बड़े सिस्टम के लिए होता है जिसमें डिफरेंट पी एल सीज होंगी, डिफरेंट पी एल सी का डाटा हमारे स्काडा स्क्रीन पर आ रहा होता है, जबकि एच एम आई यूजली हर पी एल सी के लिए अलग यूज़ होती है, जबकि स्काडा एक डिफरेंट कंट्रोलर्स के लिए एक उनका सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल होता है सबका। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो स्काडा सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ बोथ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर कंपोनेंट्स दैट अलाउ सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ प्लांट्स बोथ लोकली एंड रिमोटली, ठीक है। स्काडा में एक और चीज़ जो हमारे पास प्रोविजन होती है वो ये है कि हम अपने प्लांट को लोकली भी कर रहे होते हैं और इसके अलावा रिमोटली भी उसको कंट्रोल एंड सुपरवाइज कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसमें पॉइंट है कि स्काडा आल्सो एग्जामिन कलेक्ट्स प्रोसेस एंड लॉग डाटा फॉर रियल टर्म एंड हिस्टोरिकल पर्पसेस, यानी कि स्काडा में हम रियल टर्म डाटा भी शो करवा रहे होते हैं एंड हिस्टोरिकल डाटा भी। हिस्टोरिकल डाटा अपने हिस्टोरियन के नाम सेव करते हैं कि लेट्स से अभी हमें किसी इंस्टेंट पर कोई इशू आया है तो हम उसका बैक एंड पे जो हमारे पास हिस्टोरिकल डाटा बेस होगा हमारे पास वहाँ से हम जाके देखेंगे कि क्या वैल्यूज चल रही थी, कि हमारा सिस्टम किस टेम्परेचर पे चल रहा था, किस प्रेशर पे चल रहा था, हमारे पास अगर पावर प्लांट है तो उसकी क्या हमारा पावर जनरेशन हो तो उसमें क्या फ्रिक्वेंसी चल रही थी, क्या वोल्टेज चल रहे थे, किस वजह से ये इशू आया, तो हिस्टोरिकल पर्पस हमें इस वजह से यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। आगे हम चलते हैं, तो यहाँ मैं आपको डिफरेंट स्काडा स्क्रीन दिखा रहा हूँ। स्काडा के लिए हमारे पास मोस्टली जो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं सीमेंस ब्रांड का होता है, इंटच का, एग्निशन का होता है, ठीक है। स्काडा के लिए एक मतलब हमारे पास स्काडा रोम भी होते हैं, और उसके अलावा अपने सिस्टम पर स्काडा सॉफ्टवेयर चलाते हैं, ठीक है, जहाँ पर हमारे पास सारे सिस्टम का, सारे प्लांट का यहाँ पर हमारे पास डाटा शो हो रहा होता है, जहाँ से हम इसको सुपरवाइज कर रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं और इसका डाटा गैदर कर रहे होते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट टर्म हमारे पास डीसीएस की। डीसीएस का मीनिंग है डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम, और या इसको आप कह सकते हैं डिसेंट्रलाइज्ड कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। तो पहले हम इसको देख लेते हैं कि डीसीएस इज मोस्ट सुटेड फॉर लार्ज स्केल प्रोसेसिंग
our manufacturing plants where many continuous control loops are to be monitored and controlled. DCS जो है हमारे पास ये large scale processing and manufacturing plants के लिए use होता है, और इसके अलावा जिसमें हमारे पास control loops यानी कि PID उसमें हमारे पास ज़्यादा use हो रहे हैं, तो वहाँ पर हम DCS system install करते हैं. जिस तरह हमारे पास island gas में ज़्यादा हम DCS use करते हैं क्योंकि वहाँ पर हमारे पास PID ज़्यादा होती हैं. ठीक है, तो large scale इन system के लिए हमेशा हम DCS use करेंगे. And the main advantage of dividing control task, इसके नाम से ज़रा distributed control system, यानी कि हमारे पास control तो distribute हुआ होता है, divide हुआ होता है. तो यहाँ पर इसके बारे में बता रहे हैं, the main advantage of dividing control task for distributed control is that if any part of DCS fails, the plant can continue to operate irrespective of failed section. अब आप यहाँ टर्म को देखें तो distributed control system, यानी कि हमारा control system distribute होता है, यानी कि हर मशीन के लिए हमारा अलग कंट्रोल सिस्टम लगाया होता है हमने, जबकि स्काडा में इस तरह नहीं हो रहा होता. स्काडा में हम क्या कहते हैं, सबका एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल बना रहे होते हैं. अगर वो सेंट्रलाइज्ड कंट्रोलर फेल हुआ तो और सारा प्लांट हमारा सारा सिस्टम फेल हो गया, जबकि डीसीएस में यही नहीं होता. इसमें हमारे पास डिसेंट्रलाइज्ड कंट्रोल होता है, यानी कि डिफरेंट कंट्रोलर यूज़ हो रहे होते हैं. अगर एक कंट्रोलर एक मशीन का, यानी कि हर मशीन के लिए एक अलग अलग हमने कंट्रोलर यूज़ किया होता है, अगर वो कंट्रोलर फेल हो गया तो देन जस्ट हमारी वो मशीन ऑफ होगी, हमारा प्लांट है पूरा वो फेल नहीं होगा. ठीक है, यानी कि हम अपने डीसीएस सिस्टम को फेल सेफ बना रहे होते हैं. फेल सेफ हमें बनाना, तो इस वजह से हम कंट्रोल को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास है डीसीएस. डीसीएस के लिए हमारे पास अलग इसके सॉफ्टवेयर यूज होते हैं और इसके हार्डवेयर भी अलग ही होता है. और डीसीएस में हम देख सकते हैं कि इसमें इसके लिए स्पेसिफिक रूम्स होते हैं जिनका हम सी सर्वे बोल रहे होते हैं, जहाँ पर पूरे हमारे प्लांट का जो डाटा होता है, जो सुपरविजन कंट्रोल एंड गैदरिंग होती है, डाटा गैदरिंग सब कुछ वहीं पर हो रहा होता है. जो मोस्ट कॉमन डीसी सिस्टम हमारे पास सीमस का होता है, एनप्रेले का है, यूकोगव एंड हनीवेल एंड एट्सेट्रा. तो ये हमारे पास डीसी सिस्टम यूज़ हो रहे होते हैं. तो अगर हम इस पूरी वीडियो को कंक्लूड करें तो हम कह सकते हैं कि पीएलसी हमारे पास जस्ट एक सिंगल कंट्रोलर होता है. ठीक है, एचएमई क्या होता है, एचएमई हमारे पास उसकी विजुअलाइजेशन होती है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है. और अगर हम बात करें स्काडा की, तो स्काडा में डिफरेंट कंट्रोलर्स की हमारे पास सुपरविजन कंट्रोल एंड डाटा एक्वाइजिशन हो रही होती है, जबकि डीसीएस में हमारे पास ये सारे काम स्काडा वाले हो रहे थे, लेकिन स्काडा सेंट्रलाइज्ड होता है जबकि डीसीएस डिसेंट्रलाइज्ड होता है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल होता है. उसमें हर मशीन के अलग अलग कंट्रोलर यूज हो रहे थे, अगर एक कंट्रोलर ख़राब हो जाए तो बाकी मशीन पर, बाकी प्लांट के बाकी मशीन पर कोई इफेक्ट ना पड़े. तो ये इसका एक कंक्लूजन है. अगर फिर भी आप इसको कोई डिफरेंस है, ये कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं इनके लिए अलग स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपना फीडबैक या सजेशन अगर देना चाहें वो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.